नमस्कार दोस्तों, चौधरी टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और इसके पास में स्थित बेल आइकन को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम 8 फरवरी 2019 का राजस्थान का करंट जीके। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 20,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा की गई? ऑप्शन ए 25,000 रुपये, बी 30,000 रुपये, सी 28 और डी 35,000 रुपये। तो उत्तर सही हो जाएगा ए 25,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? ए 205, बी 175, सी 120 और डी 255। तो इसमें सही होगा बी 175। क्वेश्चन थर्ड, द्वितीय वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाले सैनिकों या उनकी विधवाओं को राजस्थान सरकार कितने रुपए पेंशन देने की घोषणा 8 फरवरी 2019 को की गई? तो इसमें ऑप्शन ए 10,000, 8,000, 12,000 और 20,000। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा 10,000। इसके बाद है क्वेश्चन फोर, 7 फरवरी 2019 को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष में किस स्वतंत्रता सेनानी एवं गांधी विचारक के 91वें जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम उनके सम्मान में मुख्यमंत्री गहलोत ने रखा? ऑप्शन ए है दिनकर कुमार गुप्ता, ऑप्शन बी है एस एन सुब्बा राव, ऑप्शन सी रविकांत राव और ऑप्शन डी पीपी गुप्ता। तो इसमें सही होगा ऑप्शन बी एस एन सुब्बा राव। उसके बाद क्वेश्चन फाइव, 7 फरवरी 2019 को राजस्थान सरकार ने बीपीएल परिवारों को कितने रुपए प्रति किलो गेहूं देने की घोषणा की? ए 2.5 रुपये प्रति किलो, बी 1.5 रुपये प्रति किलो, सी 1 रुपये प्रति किलो और डी 2 रुपये प्रति किलो। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा 1 रुपये प्रति किलो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस शहर में गांधी म्यूजियम बनाने की घोषणा की? ए जोधपुर, बी अजमेर, सी बीकानेर, डी जयपुर। तो इसका उत्तर सही होगा डी जयपुर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन सेवन, हाल ही में शहरी समृद्धि उत्सव का आयोजन 6 से 9 फरवरी 2019 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए जयपुर, बी अजमेर, सी जोधपुर और डी कोटा। तो ये इसमें जयपुर होगा उत्तर सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट, राजस्थान कृषक ऋण माफ़ी योजना 2019 की शुरुआत सिरसी जयपुर से निम्न में से किसने की? ए अशोक गहलोत, बी सचिन पायलट, सी उदयलाल आंजना, डी रघु शर्मा। तो इसमें उत्तर सही होगा सचिन पायलट, जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, इसमें ये सिरसी जयपुर भी याद रखना है। राजस्थान कृषक ऋण माफ़ी योजना 2019 कब शुरुआत हुई? 7 फरवरी 2019 से, ये भी याद रखना है। और किसने? सचिन पायलट ने जो है इसका शुभारंभ किया है। कहाँ से? सिरसी गांव जयपुर से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। राजस्थान कृषक ऋण माफ़ी योजना 2019 का पहला प्रमाण पत्र किसको दिया गया? ये नाथी देवी को, बी राजू देवी को, सी लक्ष्मी देवी को, डी संजू देवी को। तो इसमें यह है ये नाथी देवी, इसका उत्तर सही होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।